कलकत्ते आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले साल कोरोना था, कोरोना के कारण बहुत लंबे समय तक कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे। अब ये कार्यक्रम हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जनता को भी बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को इस सम्मेलन से प्रेरणा प्राप्त होती है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका जो है आगे बढ़ने का मौका मिलता है और इंस्पिरेशन प्राप्त होती है। और हमारा काम इंस्पिरेशन देना है कि भारतवासी जो हैं इंस्पायर होकर के और भारत को मजबूत करें, अपने गांव को मजबूत करें, अपने राज्य को मजबूत करें और देश को मजबूत करें। कलकत्ते में जो आज आपका जो सद्भावना सम्मेलन हुआ है, लगभग कोरोना के अंतराल के कई वर्षों बाद हुआ है क्या? हाँ, 2-3 वर्ष हो गए हैं उसके बाद हो रहा है जी। हमारे पूरे देश भर में होते हैं कार्यक्रम, और हम आपके जो हमारे नॉर्थ ईस्ट हैं, खासकर सदूर इलाके हैं, वहाँ भी हम जाके करते हैं। और मैं तो आपके लेखा पानी मार्गरीटा तक होके आया हूँ, तो हमने काफ़ी लोगों को जागरण किया है और जागरण करना हमारा लक्ष्य है। और इस बार जो वापस जो हल्ला हो रखी है, पूरे भारत में हल्ला हो गया है कि वापस जो कोरोना आ रहा है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उसमें ऐसा है, हमारे डॉक्टर्स को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया इस बीमारी का। पहले तो बीमारी का पता ही नहीं था कि क्या बीमारी है, किस प्रकार का ट्रीटमेंट है, तो काफ़ी हद तक नॉलेज प्राप्त हो गई है। और हमारा जो डोज है कोरोना वायरस का, जो डोज है दवाई का, जो डोज है वो बड़ा इफेक्टिव डोज है। उसके अंदर काफ़ी एंटीबायोटिक्स है जो चीन के अंदर नहीं है, इसलिए चीन के अंदर रिवाइवल हो गया है। हमें थोड़ा प्रिकॉशन बरतनी पड़ेगी और थोड़ा मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, वही पर्याप्त है मैं समझता हूँ बीमारी को रोकने का। और कलकत्ते में और आपके जो शहर है जहाँ से आप आ रहे हैं, दोनों में कौन सा शहर आपको ज़्यादा पसंद आया? दोनों शहर अपनी अपनी जगह है। कलकत्ता एक्टिविटी की केंद्र है और निश्चित रूप में कलकत्ता इंस्पायर करता है, कला का केंद्र है। हम उत्तराखंड से आते हैं, हमारी देवभूमि है, और कलकत्ता के बंगाल के लोग ही ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड आते हैं, कहीं कालीमठ देखने आते हैं, मध्महेश्वर देखने आते हैं, केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं, जो जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं सबके दर्शन करने आप लोग आते हैं। इसलिए हम लोग निश्चित रूप में यहाँ के बंगाल के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बंगाल के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बंगाल के लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि जो विवेकानंद बंगाल में बने हैं, तो विवेकानंद के अंदर इंस्पायर होकर के देश को आगे बढ़ाएं, देश को मजबूत करें, और निश्चित रूप में हमारा भारत विश्व गुरु बने, ये हमारी कामना है। और यानी आने वाले यंग जनरेशन के लिए आपकी क्या? यंग जनरेशन के लिए इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे देश की स्पिरिचुअलिटी है और जीने की पद्धति है, उसको इंटीग्रेट करना होगा। हम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं, विज्ञान के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ जो हमारा अध्यात्म है उसको ना भूलें, यही मेरा आग्रह है। टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो आजकल के जो बच्चे हैं दिन रात अपना समय मोबाइल पर व्यतीत कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मोबाइल से उनको थोड़ा अंतर्मुखी भी होना पड़ेगा। मोबाइल जो है, ज़्यादा मोबाइल ठीक नहीं है, एडिक्शन हो जाता है और ये इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई रथ जो होता है 2 पहियों में चलता है, तो जीवन में बैलेंस करना पड़ेगा। अतिवाद ठीक नहीं होता है, एक्सट्रीमिटी ठीक नहीं होती है, बैलेंस करके ही लाइफ को हम अच्छी तरह से चला सकते हैं। धन्यवाद। के नाम पे आज हर तरफ बंटवारा अभी भी चल रहा है, अभी भी हमारे देश में कई सारे शहर में, बड़े शहर में, छोटे शहर में ये हो रहा है अभी भी। नहीं, इसको मैं कंडेम करता हूँ, ये उचित नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा, जात ना पूछिए साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कलो तरवाड़ का पड़ी रहें दो म्यान। जातिवाद ठीक नहीं होता, समाज को बांटता है और समाज के लिए बिल्कुल घातक है। और लिंग से भी तो बांटा जाता है, क्योंकि लिंग से भी बांटा जाता है। हाँ, वो भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। चलिए आगे बढ़ना है, ठीक है, धन्यवाद।